दोस्तों, अगर आप भी अपने WhatsApp के डेटा को, जैसे चैट्स को, आप जो है अपने Android फ़ोन से अपने iPhone में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आपको करना है, बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में आप जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हम सफर टैग। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टीनोसर की वेबसाइट पर आना है और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप साइबर कैफे पर जाकर जो है इजीली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे टीनोसर आई केयर फोन ट्रांसफर, और यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप के चैट बैकअप को एंड्रॉयड फ़ोन से अपने आईफोन में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अपने आईफोन से एंड्रॉयड में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके लैपटॉप पीसी पर यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंपल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप इसको यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने इस तरीके से इंस्टॉलेशन के लिए आ जाएगा, तो आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको 30 सेकेंड टू एक मिनट का टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। और यार गाइस, आप एक चीज़ भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर दो। अब दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, आई केयर फोन ट्रांसफर। हम इसको ओपन करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा सॉफ्टवेयर का। बहुत ही इजी प्रोसेस है। और यहाँ पर दोस्तों, आप बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आप अपना व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस, लाइन, किक, वाइबर और वीचैट। तो फिलहाल हमें अपना पर्सनल व्हाट्सएप को जो है ट्रांसफ़र करना है, तो हम पहले वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको कौन से डिवाइस से अपने चैट का बैकअप ट्रांसफ़र करना है। तो फिलहाल हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में शिफ्ट करेंगे चैट बैकअप को। तो हम सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं डेटा केबल के थ्रू। तो चलिए, हमने यहाँ पर अपना एंड्रॉयड फ़ोन को जो है यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा गूगल पिक्सल 4a यहाँ पर डिवाइस आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा डिवाइस, यानी कि हमने अपने एंड्रॉयड से अपने आईफोन में शिफ्ट करना है, तो अब हम आईफोन भी अपना यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे दोनों डिवाइस यहाँ पर जो है कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको एक ऑप्शन आएगा ऊपर बाय नाउ का, लेकिन आप जैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो यहाँ पर बता रहा है कि आप ट्राई वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और आप फुल वर्जन भी यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ट्राई वर्जन में आपको कुछ लिमिटेशन मिलती है, लेकिन जो आप फुल वर्जन यूज़ करते हैं उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कर लेता हूँ। बाय नाउ पर क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आएगा। तो आप इंडिविजुअल हो, आप बिजनेस हो, तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ कूपन कोड भी नज़र आएंगे, तो आप इसका डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर वन मंथ का प्लान है, वन ईयर का है और लाइफ टाइम का है, तो आप अपने हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, पेड वर्जन का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपका चैट का बैकअप होता है वो आपका प्रॉपर पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, उसमें कोई भी डेटा आपका लॉस्ट नहीं होता है, इसलिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए, हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसका पेमेंट कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर बाय कर लिया है, उसके बाद आप दोबारा से सॉफ्टवेयर पर आएंगे और थ्री लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी ऊपर, और यहाँ पर है रजिस्टर का एक ऑप्शन, आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी आपको जो है आपका रहेगा उसको आप एंटर करेंगे, और जो भी आपका यहाँ पर जो है आपको कोड मिलता है, रजिस्ट्रेशन की मिलती है, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। चलिए, हम इस विंडो को भी क्लोज कर लेते हैं। तो चलिए, हम वापस सॉफ्टवेयर के ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपका डिवाइस है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है फाइल ट्रांसफ़र का आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको परमिशन देना होगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो चलिए, हम यहाँ पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर आ चुके हैं और यहाँ पर चार्जिंग का एक ऑप्शन आता है, तो आप इसको यहाँ पर सबसे पहले जो है फाइल ट्रांसफ़र एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक कर लेंगे। और हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना होगा अबाउट फ़ोन में।
अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अबाउट फोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर के ऊपर आपको 4 times क्लिक करना है। तो अब आपको जाना है अपने फ़ोन के जो है डेवलपर ऑप्शंस में। तो यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शंस है, इसको हम सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पर हम जो है USB डीबगिंग को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही याद रखिएगा, आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर या फिर आईफोन के ऊपर जिसका भी आप बैकअप ले रहे हैं, आपको सबसे पहले जो है इस स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप को ओपन करना है और सबसे ऊपर आपको 3 dots नज़र आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। अब आप चैट्स में जाएंगे, चैट्स पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आप लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप चैट बैकअप में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैकअप टू गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से नेवर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बैकअप पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बैकअप पर क्लिक करेंगे, जितना भी आपका व्हाट्सएप का बैकअप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सेव हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं अपने PC पर और यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, अभी यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका व्हाट्सएप पे नंबर है आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है और वेरीफाई करना होगा। तो अभी दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा जो है कंटिन्यू ये बैकअप बन रहा है। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डेटा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब बोल रहा है कि जो आपका आईफोन है वहां पर आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको सबसे पहले फाइंड माई आईफोन को आपको यहाँ पर टर्न ऑफ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड माई आईफोन को यहाँ पर जो है टर्न ऑफ कर लेते हैं। टर्न ऑफ करते ही हम यहाँ पर ट्राई अगेन करते हैं। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो अभी आप देखेंगे आईफोन के ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है रिस्टोर इन प्रोसेस। तो अब दोस्तों आप देख पाएंगे ट्रांसफर सक्सेसफुली। चलिए मैं यहाँ पर आपको आईफोन के ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पर दोस्तों आपका आईफोन जो है रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोनों डिवाइस मेरे पास है और यहाँ पर मैं जो है व्हाट्सएप को अपने आईफोन के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू करना है और सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का सारा बैकअप एंड्रॉयड फोन से आईफोन में ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप की चैट बैकअप को इजिली एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं।